जी सेंगर साहब, आपसे अंतिम टिप्पणी लेता हूं। बीजेपी अपने और मोदी जी भी अपने भाषणों में महंगाई की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, इट डजंट टॉक अबाउट इट, उसको रेफर ही नहीं करते। मैं आपको बताऊं, फिर 240 सीट लेके चले जाते हैं। 240 सीट कम नहीं होती हैं, ये भी एक बड़ा नंबर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हमारी जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट है सर। कभी कभी मुझे लगता है कि किसी एक राज्य विशेष के अंदर हो सकता है लोगों को रोजगार की बड़ी कमी महसूस होती होगी, बिहार जैसे जहां लोग स्टूडेंट बाहर निकलते हैं, लेकिन ये स्थितियां बिहार की पैदा होती हैं, आपको ये महाराष्ट्र के अंदर स्थिति नहीं मिलेगी। यहाँ तो पता लग रहा है कि लोग बाहर निकलते फट से रोजगार मिल जाता है उनको, बल्कि बिहार यूपी से लोग आते हैं उनको भी रोजगार मिल जाता है। नीचे तमिलनाडु में जाओ, केरल में जाओ, काम करने के लिए वर्कर्स नहीं है सर, स्किल्ड लेबर नहीं है वहां पर, स्किल्ड वर्कर्स नहीं है सर, हालात ऐसे हैं। और बैंगलोर तो भरा पड़ा है वहां पर जो जो कि माइग्रेटेड जो सारे के सारे टॉप लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, और जो सो कॉल्ड गरीबी है जैसे आलोक जी ने कहा, वो छुपा दी जाती है 5 किलो के अनाज में, तो आपको पिक्चर ही नहीं दिखाई जाती जो असली पिक्चर है। अल्टीमेटली कभी कभी मुझे लगता है कि बीजेपी इन सब मुद्दों को ना उठा के फिर भी जीत जाती है, तो क्या जनता के मन में ये मुद्दे कोई अहमियत रखते नहीं क्या? यानी कि अगर अहमियत रखते होते तो फिर इतनी बड़ी संख्या में 240 सीटें कैसे मिलती है उनको? क्वेश्चन तो आता है दिमाग के अंदर। वीरेंद्र सेंगर जी, दिनेश जी, ऐसा नहीं है कि अहमियत नहीं रखते, लेकिन होता है कि वो जो धर्म की अफीम चटा दी गई है और जो नफरत की बाजार बना दी गई है और जो नफरत की आइसक्रीम चटाई आ रही है, तो उसका असर जाते जाते जाता है, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। देखिए, सबसे ज्यादा तो यूपी में होना चाहिए था, क्योंकि राम मंदिर बना दिया था और राम मंदिर का इतना बड़ा किया था कि भाई 500 साल में सबसे बड़ा काम रहा। 500 साल में से राम जी पहले एक चबूतरे में रहे, बाद में खुले में रहे, तो राम जी को आलीशान इन्होंने मंदिर दिया था। लेकिन ये देखिए कि वो यूपी की जनता तमाम और मुद्दों से समझ गई कि ये लोग किस तरह से सत्ता के लिए जो है राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस मुद्दे पर इनको वोट नहीं मिला या बहुत कम मिला। दूसरे राज्यों में जो कहते हैं ना, दूर के ढोल कुछ सुहावने होते हैं, तो वहां लग गया इनका। और चूंकि इन्होंने नफरत के बीच इतने बो दिए थे कि मस्जिदों में के सामने आए दिन जो है ड्रामा होना का और जुलूस निकलना, गाय गाय के नाम पर, गाय बचाने के नाम पर जो है गुंडागर्दी करना, तो ये मॉब लिंचिंग करना, ये होता रहा है, इन सब का असर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने मुद्दे नहीं उठाए, लोगों को ये हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो काफी एक्सपोज हो चुके हैं। अब मुझे दिनेश जी नहीं लग रहा है कि इनके ये मुद्दे, चाहे गौ रक्षा के नाम पे जो लूट मार बचाना और लोगों को तंग करना और मॉब लिंचिंग करना, ये मुझे लग रहा है इनको सबको बदलना पड़ेगा, क्योंकि केवल तेलुगु देशम का सवाल नहीं है और नीतीश कुमार का सवाल नहीं है, जनता में जागरूकता आ रही है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने इग्नोर किया तो इनको काफी मुश्किलें होंगी, और बीजेपी के जो कुछ समझदार नेता हैं, इनके कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी मेरी अनऑफिशियल बात हुई है, तो वही महसूस कर रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अब इनको हथियार बदलने पड़ेंगे, लेकिन सरकार तो 10 साल रही, डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन जब चुनाव आता है तब डेवलपमेंट की बात तो होती नहीं है। गले मुर्दे उखाड़ते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, करते हैं वही बात। आप सवाल ये है कि 10 साल में आपने क्या किया, इसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? आप ये क्यों जिक्र करते हैं? आप इस समय जिक्र करते हैं कि हम पीओके ले लेंगे, पीओके को लेने में कांग्रेस डरती है, भाई किसने मना किया आपको पीओके को ले लो? तो ये जज्बाती मुद्दे उठाते हैं, मुझे लग रहा है कि इनका दौर लगभग खत्म होने के दौर पर है। और इस सरकार के जो साझा सरकार है, इसका दबाव जी, एक ये भी देखने पड़ेगा कि जो बुलडोजर की सरकार है इनकी यूपी, और जो बुलडोजर एक मॉडल बन गया है, मुझे लग रहा है कि इसमें इनके मुख्यमंत्रियों को भी बदलना पड़ेगा, इसका साइकोलॉजिकल दबाव होगा। और मोदी जी इसको शायद, अगर अपनी सरकार ठीक से चलानी है, उनको लंबी चलानी है, तो उनको रोकना पड़ेगा, चाहे खुले तौर पर रोकें
चाहे परोक्ष रूप से रोकें, इसका दबाव ये भी देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि जो अग्निवीर की योजना है, जिस तरह का दबाव, जिस तरह का चुनाव से मैसेज मिला है, तो इनको इसको रिव्यू करना पड़ेगा। और राजनाथ जी बीच में चुनाव प्रचार के दौर में ये भी कह चुके हैं भाई जरूरत पड़ेगी तो हम इसको रिव्यू करेंगे। तो जितना विरोध है, तो मुझे लग रहा है कि ये आप देख लीजिए कि 6 महीने के अंदर, और जो मेरी जानकारी है, मेरी सूत्रों में जानकारी है, तो वो तैयारी हो गई है कि ये लोग अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे ताकि लोगों को कुछ गुस्सा ठंडा हो। लेकिन अगर इन्होंने स्पेशल स्टेटस बिहार को दिया, जो कि ये कह रहे हैं कि भाई कमिटमेंट हो गया है सरकार के लिए, जदयू के लोग कर रहे हैं, अभी एक बीच में आई थी कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया था, तो और इसमें आई भी कांग्रेस ने भी डिनाई की और किसी त्यागी ने कहा कि मेरे पास सबूत है, तो मैंने इस पे भी पता किया तो पता चला कि एक एमपी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने किया। भाई अब एक एमपी गठबंधन की ओर से कुछ कहे तो उसका क्या महत्व है? इसीलिए बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार एंड कंपनी कर रही है कि उनको पीएम की पोस्ट का ऑफर किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा नीतीश कुमार को है कि नीतीश कुमार के एमपी जो आधे आधे बिल्कुल बीजेपी भाजपा ही मानसिकता के हैं, और वो जब तक तोड़ने की धमकी भी देते थे, इसी दबाव में उन्होंने पलटी भी मारी। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा काम खाएंगे नीतीश कुमार के। और टीडीपी तो आप जानते हैं वो उस्ताद हैं और वो दबने वाले नहीं। जी सर फिलहाल 6-8 महीने का जी। और मेरी भी एक ऑब्जर्वेशन है कि वेस्टर्न कोस्ट से जब ईस्टर्न कोस्ट पे जाते हैं तो जब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 87 सीटें, 84 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। इनको भी बैठ के अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि वो कौन से विलन थे, जिनका नाम कमलनाथ भी हो सकता है, बघेल भी हो सकता है, दिग्विजय भी हो सकता है, जिन्होंने अपनी पार्टी को इन स्टेट में दफन कर दिया। मैं बहुत सोच समझ के शब्द यूज कर रहा हूं कि इन्होंने अपनी पार्टी को दफन कर दिया और कांग्रेस अभी भी इनको हटा नहीं पा रही है। और इसके अलावा रेवंत रेड्डी और डीके शिवकुमार और सिद्धा के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं। और हमें कांग्रेस के एक विशेष आदमी ने कहा कि जो वहां पर ऑब्जर्वर होने चाहिए थे उनको हटा दिया गया था, वही नहीं बल्कि ये लोग सोते रहे और सरकारें बन गई तो ये अपना बंगले मिल गए, गाड़ियां मिल गई, मजे कर रहे हैं, इनका जमीन से कनेक्ट टूट गया। डीके शिवकुमार की वोकालिंग जो कम्युनिटी है, अपरी वोकालिंग कम्युनिटी है, उसने बैंगलोर के अंदर जो पूरे भरे पड़े हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ वोट दिया और 4 सीटें बीजेपी को बैंगलोर सिटी की दे दी, और वो भी क्लीन स्वीप करके, जहां पर उम्मीद थी कि कम से कम 2 सीटें कांग्रेस जीत जाएगी, वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लेट बैक एटीट्यूड था डीके शिवकुमार का, सिद्धारमैया का, रेवंत रेड्डी का, आई थिंक इट हैज ह्यूज कॉस्ट फॉर कांग्रेस इन द फॉर्म ऑफ एटलीस्ट 20 सीट्स इन द पार्लियामेंट। और बाकी जो मैंने 4 स्टेट बताएंगे, वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, चारों एक रेड अलाइनमेंट है। ये एक ऐसा अलाइनमेंट है जिसको कांग्रेस को तोड़ना जरूरी होगा, और ये भी जरूरी होगा कि अपने पुराने जितने भी इनके सो कॉल्ड नेता हैं, आइदर टू बूट देम आउट और टू सेंड देम इन मार्गदर्शक मंडल और जस्ट किक देम आउट, अदरवाइज कांग्रेस विल नॉट रिकवर इन दीज 4 स्टेट्स। दिस माय ऑब्जर्वेशन, स्लाइटली ब्लंट बट आई विल से इट, अगर वो जाग सके तो जाग जाए। मैं दर्शक मित्रों आपसे शुक्रिया अदा करूंगा, और आज करीब 4,000 लोग हमें लाइव देख रहे थे इस प्रोग्राम के अंदर, जो हमारे जैसे छोटे चैनल की एक बड़ी उपलब्धि है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपके कंसर्न्स हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आपके साथ हैं, हम लोकतंत्र के साथ हैं। सेंगर साहब, सुनील जी, आलोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।